हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एजुकेशन। बियॉन्ड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो भारत रत्न का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है भारत रत्न की घटना किससे संबंधित है। तो भारत रत्न की घटना सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किन्हें दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। भारत के पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिल चुका है। सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाए जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर हैं 40 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2019 में भारत रत्न किन किन व्यक्ति को मिला है। पहला है प्रणब मुखर्जी, दूसरा भूपेन हजारिका, तीसरा नानाजी देशमुख, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको 1955 में दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष बंद कर दिया गया था, तो भारत रत्न पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दोबारा शुरू किया गया, तो भारत रत्न पुरस्कार 1980 में दोबारा शुरू किया गया था। तो भारत रत्न, नेक्स्ट हमारा, भारत रत्न दोबारा शुरू किए जाने पर सर्वप्रथम किन्हें सम्मानित किया गया, तो शुरू दोबारा शुरू करने के बाद सर्वप्रथम मदर टेरेसा को 1980 में सम्मानित किया गया था। तो आज का हमारा वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।